नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं आज के प्यारे से सेशन में, जिसमें हम बहुत ही विस्तार से, बहुत ही आराम से और बहुत ही विश्लेषण पूर्वक चर्चा करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो आंसर की आया है उसके आधार पर कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया, उसके बाद आंसर की मिलाई, तो बहुत सारा डेटा जो है उसका विश्लेषण करने के बाद ये जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिसकी हम एक गेस मार सकते हैं कि इतना नंबर तक अगर बच्चों का है तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। तो पूरे वीडियो में बने रहेंगे और जो भी बच्चे क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एक बार सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे साथ में। चलिए, तो आप लोगों को पता होगा कि ये नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि आपकी जो आंसर की है वो जारी कर दी गई है, तो इससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, हमको मतलब होने वाला है यहाँ पर कि हमारे पास पोस्ट कितनी थी। तो बच्चों, हमारे पास पोस्ट थी 3712 और मार्किंग का हम सबको पता है, हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं कुल मिला के 100 और हमें एक नंबर, एक क्वेश्चन पे मिलता है 2 नंबर और एक क्वेश्चन गलत होने पर हमारे 0.5 नंबर जो है वो कट जाते हैं, यानी कि 1/4 हमारी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक मार्किंग का क्या हो जाता है, क्राइटेरिया हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार मैं हट जाता हूँ और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 5 साल का कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या है। तो इसके आधार पर हम गेस लगा सकते हैं पुराने कट ऑफ के आधार पर नए कट ऑफ का। तो यहाँ पर आपके पास ये कैटेगरी है जनरल का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का। और यहाँ पर हमारे पास डेटा है 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 और 2017। तो लगभग 7 सालों का डेटा हम यहाँ पर क्या है, कंप्लीट करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे और उसके बाद इस साल की जो वैकेंसी है उसके आधार पर इस साल का कट ऑफ जो है वो एक बार देखेंगे कितना होने वाला है। तो 2023 में 153 के लगभग था, 154 के लगभग था जनरल का, 136 था एससी का, 124 था एसटी का, 152 था ओबीसी का और 151 था ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, इसी प्रकार जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है वो 2022 में और 2019 में जाती है, क्योंकि जो वैकेंसी थी, जो पदों की संख्या थी वो थोड़ी कम थी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर चर्चा करेंगे सॉरी तो यहाँ पर चर्चा करेंगे 2022 में जो कट ऑफ थी वो थी 157, 135 एससी की, एसटी की 125, ओबीसी की 153 और ईडब्ल्यूएस की 151। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर अगर आप देखें तो जनरल की कट ऑफ 140 थी 2021 में, यहाँ पर कट ऑफ कम देखने को मिलती है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा थी। मैं साइड इसलिए हूँ क्योंकि आपको ये डेटा देख सके। ठीक है, तो ये सारा डेटा है, इसको आप यहाँ पर अगर देखें तो आपको एक ट्रेंड जो है वो पता चलता है। तो हमें देखना है सिर्फ पीछे के 2 सालों का 3 सालों का। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जो वैकेंसी का आंकड़ा है, जो कट ऑफ का आंकड़ा है वो किस प्रकार से वैरी कर रहा है। ठीक है, कट ऑफ जो है वो किस प्रकार से वैरी कर रहा है साल दर साल, क्योंकि आपको पता है हर साल कंपटीशन जो है वो बढ़ जा रही है, नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं और हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसी बात पे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, चलिए आगे चलेंगे। तो अगर बात करें 2023 की वैकेंसी जो आई थी उसमें टोटल वैकेंसी जो सिलेक्ट सॉरी टोटल जो टीयर टू के लिए बच्चे सिलेक्ट किए गए थे वो सिलेक्ट किए गए थे 17,495। कितने सिलेक्ट किए गए, 17,495। ठीक है, कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, जनरल के 2890 बच्चे लिए गए थे, 3200 एससी के, 1450 एसटी के, ओबीसी के लगभग 4500 और ईडब्ल्यूएस के 2356। ये 5 मेन कैटेगरी होती है जिनको यहाँ पर हमने कंसीडर किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करें अगले पिछले साल की। तो 2022-23 में कट ऑफ थोड़ा हाई था और जो बच्चे लिए गए थे वो लगभग 40,224 बच्चे यहाँ पर लिए गए थे। ठीक है, और ये क्या है, कैंडिडेट्स की
एक लिस्ट है जितनी संख्या में बच्चों को सिलेक्ट किया गया था टीयर टू के लिए। उसके बाद 2021 में कट ऑफ जो है उसका ट्रेंड थोड़ा सा डाउन हुआ था, 140 जो थी वो जनरल की कट ऑफ यहाँ पर थी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मेजर है हमारे लिए वो है कि हम इस साल कट ऑफ कितनी रखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आपको अगर बताऊं तो लगभग 20,000 से 25,000 बच्चों का डेटा जो है वो कलेक्ट करने के बाद, ठीक है, लगभग हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है 25,000 प्लस बच्चों का डेटा जो है वो कलेक्ट किया गया है। यहाँ पर मैं आपको अगर बताऊं शिफ्ट के आधार पर कौन सी शिफ्ट सबसे ज्यादा टफ थी, ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा मिलने वाला है वो शिफ्ट वन जो थी उसको मिलेगा, क्योंकि शिफ्ट वन जो है वो हार्ड पूछा गया था। सबसे आसान जो शिफ्ट थी वो थी शिफ्ट आपकी 3 और 4, ठीक है, तो इसलिए इनका कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। और शिफ्ट 1 और 2 जो थी ये क्या थी, थोड़ी सी कंपेयर करने पर ये थोड़ी सी कठिन थी। शिफ्ट 1 सबसे ज्यादा हार्ड देखने को मिलती है और शिफ्ट 2 है ये जो मॉडरेट जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़े से नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो जिनका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में एग्जाम था उनके थोड़े से नंबर जो है वो बढ़ सकते हैं। अब आइए फाइनली आते हैं अपने कट ऑफ के ऊपर, ठीक है। चलिए तो मैं थोड़ा सा रहूंगा साइड में आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देने के लिए। तो बात करेंगे सबसे पहले जनरल की, तो जनरल के जो एवरेज मार्क्स आए हैं इन बच्चों के आंकड़ों पर वो आ रहे हैं लगभग ये एक है, ठीक है, तो 150.185, ठीक है, 150.185 जो है ये नंबर्स आ रहे हैं। शिफ्ट सारी यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं, तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट इसीलिए पहले बता दी है। तो इसका जो कट ऑफ होगा वो 149 से 154 के बीच में होने वाला है। उसके बाद बात करेंगे एससी कैटेगरी की, इनके जो एवरेज मार्क्स हमने निकाले हैं वो आया है 134.275। इसकी जो कट ऑफ होने वाली है वो होने वाली है 133 to 138 के बीच में। उसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए जो मार्क्स हमने निकाले हैं वो आया है 121.225, तो इसकी कट ऑफ जो होने वाली है वो 122 से 127 के बीच में होने वाली है। फिर उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के जो मार्क्स आए हैं 149.275 आए हुए हैं, तो इनकी जो कट ऑफ है वो 148 से 153 तक रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है इनके जो मार्क्स हैं 149.225 जो है वो है, तो इनकी कट ऑफ जो है वो हो जाएगी 150 से 155 के बीच में। इसको मैंने हाई इसलिए रखा है क्योंकि आजकल जो ईडब्ल्यूएस है आपने देखा होगा तो यूपीएससी में भी जो फर्जी बन जा रहा है, तो ये तो एसएससी के एग्जाम्स हैं, बहुत सारे फेक ईडब्ल्यूएस लगते हैं तो ये चीजें निकलकर सामने आती हैं। तो ये है आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो कट ऑफ है ये इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है, एक या दो नंबर आगे पीछे हो सकता है उसको कोई नहीं बता सकता। बाकी एक फाइनल जो है वो हम जब इसकी करेक्ट आंसर की आ जाएगी एक बार से अभी चैलेंज होने के बाद तो हम एक बार फिर से लेंगे। बात करें अगर रिजल्ट की, इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो इसका रिजल्ट जो है वो अगस्त के सेकेंड वीक में आ सकता है, जहां तक इनपुट जो है वो मिले हैं अगस्त सेकेंड 2024 तक एसएससी सीएचएसएल टीयर वन का रिजल्ट जो है वो गवर्नमेंट या फिर एसएससी जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद जय भारत।